Ahmedabad to witness the round 2 of India Supercross Racing League. I wake up in the middle with a drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Very excited, I don't want to go to work, the riders, bus is a jerk, they are all excited, unke face pe excitement dikh rahi hai, I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I need it all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living, I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. So Indian Supercross Racing League, first time ho rahi India mein, and jaise league jo thi waise वाइब मस्त है. तो देर आर मल्टीपल टीम, जैसे लीग में होता है वैसे ही बहुत सारी टीम्स हैं. राइस मोटर स्पोर्ट्स की भी टीम यहाँ पे है, एंड पुणे में एक राउंड हो गया, सेकंड राउंड है. इंडिया सुपरक्रॉस जो लीग हो रही है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रही है. ओके, और यहाँ पर ना वो स्ट्रेट लेन पर वो 100, 200, 300 में भगाने वाली गाड़ी ऐसे 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 देखकर आज तो जो बचपन में गेम वेम खेलते हैं ना ऐसे टोइंग टोइंग वाला उड़ाना वाला, वैसे वाले ये लोग बाइक्स उड़ाने वाले, एंड वी आर लिटरली थ्रिल. अभी यहाँ से हम लोग ऊपर साइड जाएंगे, ऊपर से आपको दिखेंगे. सो नाउ डिफरेंट डिफरेंट टीम्स अपनी बाइक्स और अपने राइडर्स शोकेस कर रहे हैं. That's why they are not wearing helmets. Otherwise, थोड़ी देर में सब लोग के अलग अलग कैटेगरीज में रेसेस होने वाली है. सबसे पहले 85 के जो बंच ऑफ बाइकर्स है ना, वो सारे के सारे आप में पूरा लैप कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, सब लोगों को वेव कर रहे हैं, चिल्ला बोल रहे हैं. वेरी नाइस. तो ये हर टीम में से फर्स्ट राइडर्स है. दीज आर जूनियर कैटेगरीज, 85 cc की मोटरसाइकिल्स है. दीज ऑल विल बी कॉम्पिटिंग. उसके बाद में 450, 250 cc अलग अलग कैटेगरी वाले बाइकर्स रेसर्स आ जाएंगे यहाँ पे. वो 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 सो फर्स्ट रेस जो थी 85 cc वाले, सब किड सेक्शन था, मतलब जूनियर कैटेगरी थी, एंड उसमें एक बंदा ही वॉज फ्लाइंग वेरी, बहुत मज़ा आ रहा था उसमें. पब्लिक वर ऑल्सो गोइंग मैड. एंड अभी जब 450 cc जो इंटरनेशनल क्लास था उसमें राइस का जो है फर्स्ट बंदा है, 206 उनका जर्सी नंबर एंड बाइक नंबर था, ही वन द रेस. एंड थर्ड नंबर पर भी राइस का ही रेसर था. इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि राइस के साथ हम लोग एसोसिएटेड है, एंड दैट टीम वन जस्ट वन इंटरनेशनल कैटेगरी में. एंड ये 206 जीती हुई है. हेलो हेलो, थैंक यू थैंक यू. तो ये वाली बाइक जो है वो जीत गई है. हमेशा एक रेस के पीछे, रेस जीतने के बाद में भी और पहले भी जो काम होता है, ये पूरी टीम टीम के ऊपर, इट इज अ टीम वर्क. Kudos to these guys. And this is our new race chalu ho chuki hai. This is 250 category. Also getting lots of gears and accessories for all the bikers. So starting from this, which is like designed in France, and then we have designed in Italy. ये सब बहुत बहुत मजा आने वाला है. सी बॉट टू यू बाय राइज मोटो एंड इवन एसर बीस. सो वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल दीज ब्रांड्स मैन. अभी आ चुका है यहाँ पर, हम लोग शायद थोड़ा लेट आ गए हैं, इसके वजह से हमें वो सारे गियर्स लगे हुए थे हमें देखने नहीं मिला. हम लोगों ने सोचा लास्ट में देखेंगे एंड देन वी आर लेट, बट एनी वेज वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विथ राइस मोटो. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. हैड अ फैंटास्टिक वीकेंड स्पेंड संडे. बहुत मजा आया इधर अहमदाबाद में. मजा आला, मतलब इट वाज फॉर अस, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम. सो ऑब्वियसली इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग होती है ना. फर्स्ट टाइम्स आर ऑलवेज नाइस. सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, and we are very excited to witness the round 3 again.
विथ राइस मोटो एंड बहुत मतलब जो फास्ट रेसेस वो अलग होती है, इसका जो चार्म है ना अलग ही है, जंप कर रहे गूज मतलब मैं सचिन को देख रही हूँ कंटिन्यूसली उसको पूरा गूज बम्स है एंड वी आर आई हैव सीन मोटो जीपी टाइप्स रेसेस हम लोग थाईलैंड गए थे ऑल दैट बट ये नेक्स्ट लेवल था, मतलब एक अलग ही मजा आया. तो थैंक यू राइस मोटो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर एंड अभी नेक्स्ट राउंड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड टू ऑल द बाइकर्स एंड कीप रूमिंग एंड कीप रोलिंग.